होने का एक बहुत फ़ायदा है इस फील्ड में, क्योंकि तुम, आई नो यू हम्बल एंड आई नो कि तुम बहुत झल्ली भी हो ओके तुम एक झल्ली हो ओके लोग शायद नहीं समझते या जानते हैं, लेकिन तुम कम्प्लीटली लाइक यू 100% झल्ली ओके तो आई नो कि तुम यू डोंट लुक एट सॉर्ट ऑफ आउटर थिंग्स एंड थिंक ऑफ ब्यूटी एज ब्यूटी और थिंक ऑफ योर सेल्फ एज ब्यूटिफुल बट यू आर एंड यू नो दैट या डू यू थिंक कि तुम्हें इस करियर में या इस फील्ड में आसानी हुई है क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो? क्योंकि बहुत से और भी एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, उनको वो शोहरत नहीं मिली, उनको वो इमीडिएट सक्सेस नहीं मिला, और आजकल की जो मार्केट है वो बहुत मुश्किल मार्केट है. यू रियली हैव टू काइंड ऑफ स्ट्राइव टू यू नो. या आई ओके बट यू थिंक दैट पीपल आर स्टिल इनटू द गोरी शक्ल प्यारी? वेल आई थिंक we unfortunately will always be as a nation, subcontinent I would say, and I talk about that a lot ki yaar ye kya bakwas hai. I mean gora kala, in fact one of the serials that I left initially, main uska naam nahi lungi, jab maine script padhi thi mujhe samajh nahi aaya tha ye kya hai, aur mujhe momna ne kaha tha ki तुम किस बेसिस पे रिजेक्ट करी? मैंने कहा मैं इस बेसिस पे रिजेक्ट करी हूँ कि एक जो गोरी होती है उसकी किस्मत अच्छी है काली उसकी, कुछ इस तरह का था. और इस वक्त इवन दो इट वाज अ गुड स्क्रिप्ट, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट. आई नाउ हैव अंडरस्टूड कि एक स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट होती है, कैरेक्टर कैरेक्टर होता है. कमिंग बैक टू खूबसूरती या ब्यूटी या व्हाटएवर, बिकॉज वो इतना बड़ा एक बना देते हैं कि ओ ब्यूटी विद ब्रेन्स और pretty girl Mahira, you know, you're introduced even like that. I became very aware of it right in the beginning. Who introduced you as pretty girl Mahira? Many. I'm very glad that you didn't. Pretty girl Mahira. Pretty girl Mahira. Okay. But because I became aware of it, तो हम सफर में भी आप अगर हम सफर देखें, जो कि मुझे नहीं पता, अगर आपने मैंने देखा तो शुक्र है. तो हम सफर में आप देखिएगा कि उसमें सेकेंड हाफ तो पूरा का पूरा इट्स नो मेकअप, वेन्स निकली हुई, फटे हुए होंठ. नहीं तो उससे कोई तुम्हारी खूबसूरती का तो ताल्लुक नहीं है. आई नो दैट, आई नो दैट, बट आई माई सेल्फ हैव ट्राइड नॉट टू. मैंने अपने ऊपर ये हावी नहीं किया पहली. ओके. सेकेंडली मुझे कभी कभी बहुत ऑफेंसिव लगता है जब मुझसे ये सवाल पूछें, जरूर पूछें, लेकिन अगर ये सोचा जाता है तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत कहीं ओवरशैडो हो रही है. दैट्स अनदर थिंग. ऑफ कोर्स जिस तरह आप देखते हैं, क्योंकि ये एक विजुअल मीडियम है, उसका फ़ायदा भी है, मगर इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है. नुकसान ये है कि आई एम कॉन्स्टेंटली प्रूविंग माई सेल्फ एज एन एक्टर.